सब महिला मिल के किए हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन के विचार के लिए, विचारधारा के लिए है कि इसमें जो संवैधानिक तरीका है आनंद मोहन जी के लिए उस पर ये काम हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक दल या इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि 14 साल लगभग इनका जेल में होने को है, तो एक स्वर्णिम समय जो है इनका गुजर चुका है कालकोठी में, तो एक मानवीय आधार पर भी और इनकी जो जेल में रहने के अंतर्गत इनका जो भी स्वभाव विचार रहा है उसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि अब इनकी रिहाई हो जानी चाहिए और ये जनमानस की एक चाहत भी है। इसीलिए अमित कुमार मुनी, यही है कि हमारे प्रिय नेता आनंद मोहन जी निर्दोष होते हुए भी पिछले लगभग 13 सालों से जेल के अंदर है, उनकी सजा भी लगभग पूरी हो गई, सरकारी प्रावधानों के तहत भी जो है प्रावधान है कि उनको अविलंब छोड़ा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण उनको जबरन कैद करके रखा गया है। हम लोगों का अभियान है कि हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे, लोगों की जनभावना है, हस्ताक्षर अभियान में लोगों का जन समर्थन है, मिल रहा है, और हम लोग ये अभियान निरंतर चलाएंगे जब तक हमारे प्रिय नेता आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हो जाती। ये अभियान निरंतर चलेगा जब तक हमारे नेता हम सबों के बीच नहीं आ जाते। हम लोगों की भी भावना यही है, आप जनता की भी भावना यही है कि हमारे निर्दोष प्रिय नेता आनंद मोहन जी हम सबों के बीच आवे, और इसीलिए हम लोग ये हस्ताक्षर। क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार राणा हुआ।